हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग एग्जाम स्पेशल करी में आज देखने वाले हैं साइंस का सिलेबस। ऑलरेडी फिजिक्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो ये सेकंड वीडियो है। टोटल साइंस का चैप्टर हम लोग के पास पांच है, जिसमें से तीन केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स का। मतलब लाइट ही के अंदर सब आता है, वैसे तो उसको तीन पार्ट में बांटा गया है लेकिन सब लाइट के अंदर ही आता है, और एक है बायोलॉजी का। तो जितने सब अपलोड करेंगे, ये आज सेकंड वीडियो अपलोड करने वाले हम लोग, ये एक्चुअली पढ़ेंगे पहले तभी तो ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल रिएक्शन पहचाने कैसे, कैसे हम लोग उसको बताएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब यही सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो ये है कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने का पांच तरीका जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। मतलब कि अगर हम अच्छा, सबसे पहले तो ये कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि रिएक्शन में होता क्या क्या पार्ट है। तो रिएक्शन में दो पार्ट होता है, कुछ चीज को मिलाते हैं, जिसको मिलाते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो मिल करके बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। शायद पता भी होगा, मतलब ये एरो के इस साइड वाला जो भी है सारे रिएक्टेंट्स है, एरो के इस साइड वाला जो भी है वो सारा प्रोडक्ट्स है। अब जो है सिग्निफिकेंस में जो मेन चार तरीका है, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है, वो ये वाला चार है। कहा गया ये और ये, मतलब कि अगर हम कोई चीज को मिलाए, यानी कि किसी चीज को डेट किए, तो उसमें गैस भी, मतलब गैस इवॉल्व हो सकता है, पहले से नहीं था लेकिन अब होने लगा, तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। पहले ब्लैक कलर का था, अब ब्लू हो गया, या ग्रे हो गया, या ग्रीन हो गया, मतलब कलर चेंज हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन है। पहले जो है टेम्परेचर बहुत नॉर्मल था, जैसे उसको रिएक्शन कराया वो इतना हीट होने लगा कि हाथ जल गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। उसके बाद पहले हम लिए थे लिक्विड, बदल गया सॉलिड में, पहले लिए थे सॉलिड, बदल गया लिक्विड में, ये सब कौन सा रिएक्शन है, सारा का सारा केमिकल रिएक्शन है। मतलब फिजिकल नहीं है, सब में केमिस्ट्री घुसा हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो एक जो एक्स्ट्रा है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब ये क्या होता है, प्रिसिपिटेट मतलब होता है कुछ चीज का बनना और वहां जम जाना, मतलब कि कोई रिएक्शन कराए, जैसे कि हाँ पत्थर जो लेकर के पानी में मिला दिए, तो पत्थर का कुछ टुकड़ा एक समय के लिए मिल तो जाएगा लेकिन फिर बैठ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे प्रिसिपिटेट, मतलब कुछ बैठ जाना नीचे में, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। अब ये पांच तरीके का एक एक एग्जांपल सबका दिया हुआ है, वैसे तो कुछ खास जरूरत नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, तो बहुत आसान तरीके से पहचान में आ जाएगा। जिसमें इस टाइप का सिंबल होगा वो समझ जाना है कि गैस बना है, और उसमें भी ये तो एकदम काफी फेमस रिएक्शन है, ये तो ऑलरेडी कितनी बार पूछ चुका है, और एक्सपेरिमेंट भी अगर पहले करते इस बार तो सारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया होगा क्योंकि कोरोना की वजह से काफी लैब वैब बंद था, या फिर इस बार प्रैक्टिकल भी नहीं लिया गया है, तो उस हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है। कैसे, जिंक को हम लोग मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक को किसमें मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो क्योंकि H2 से ज्यादा एक्टिव है जिंक, तो H2 को रिप्लेस करके खुद SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट। अब इसमें जानने योग्य बातें जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो शायद भूल गए होंगे वो देख लीजिए, SO4 का वैलेंस होता है -2, Z का वैलेंस होता है +2, तो क्योंकि दोनों ऑलरेडी +2 -2 वाला वैलेंसी है तो क्या बनाएगा ZnSO4। हमको मुद्दा इसे नहीं था, हमको ये पता करना था ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो अभी तक कलर तो चेंज हुआ नहीं, स्टेट चेंज हुआ ना, सॉलिड से ये एक्वस में बदल गया था, खैर स्टेट भी इसमें चेंज हो रहा है, लेकिन जिसके लिए एकदम फेमस है वो ये वाला है, ये पोर्शन, ये एकदम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछता है कि इसमें कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन बच गया था। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस को अगर हमको पता करना है कि हाइड्रोजन गैस निकला या नहीं निकला, तो उसको स्टोर करके माचिस जलाते हैं, वहां पे पॉप साउंड होता है, मतलब कि कहीं क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि पॉप साउंड किस गैस की वजह से होता है, तो कौन सा आंसर होगा H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। दूसरा मेरा रिएक्शन है चेंज ऑफ कलर, यानी कि कलर चेंज करना है। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि हम सबसे पहले कॉपर सल्फेट लिए थे, सल्फेट का वैलेंसी तो अभी जस्ट बताए, तो इसका अगर -2 और कॉपर अकेले है तो इसका वैलेंसी कितना रहा होगा +2, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का एक रिएक्शन कराने वाले हैं हम लोग H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड से इसका रिएक्शन कराने वाले हैं। तो हुआ यूं है कि SO4 जो है ना वो H2 के साथ चला गया है, क्यों, क्योंकि H जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिव कैसे है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में थोड़ी देर के बाद, लेकिन उसके पहले हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए समझिए कि H जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। तो Cu से जब ज्यादा रिएक्टिव है H, तो इसको क्या करेगा SO4 को खुद लेके चला जाएगा, यानी कि H2 जो SO4 के साथ चला गया, अब बेचारा Cu को मजबूरी में किसके साथ रिएक्शन करना पड़ा, सल्फर के साथ करना पड़ा, तो ये क्या बना लिया CuS। अब मुद्दा ये नहीं है कि हम लोग ये रिएक्शन क्या बनाता है, मुद्दा ये है कि हमको पता करना था कि इसमें कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले ये कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था, अब कौन से कलर का हो गया, ये ब्लैक कलर का हो गया, मतलब कि पहले रिएक्शन जब कर रहे थे तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था,
लेकिन जैसे ही इसमें मिला वो कौन से कलर का हो गया, वो हो गया ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये याद रखना है। और आज हालांकि जानने वाली बात इसमें ये भी है कि ऐसे नहीं पूछ करके ऐसे ही पूछ सकता है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, तो याद कर लो यहीं से ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, कई एक बार पूछता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। और कॉपर सल्फाइड किस कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। ये काफी फेमस नहीं है लेकिन फिर भी याद रखो तो अच्छी बात। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, यानी कि इसमें कुछ ऐसा चीज बनेगा जो नीचे जमने वाला है। तो ये रिएक्शन वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि प्रीसिपिटेशन एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एस्टर ये सब में दिया है तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखो AgNO3 जो है ये सिल्वर नाइट्रेट है और नाइट्रेट का वैलेंसी होता है -1। ऐसे ही करके हम सारा वैलेंसी तुम लोग इसी वीडियो में या दो चैप्टर और है सबका वैलेंसी ऐसे ही याद कर लेना, कल एग्जाम में काम आएगा। NO3 का वैलेंसी क्या है -1, Ag का वैलेंसी उस हिसाब से क्या होगा +1, तभी तो ये दोनों न्यूट्रल है ना। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो NaCl के साथ मिला है। अब बात कुछ यूं है कि Na जो है ना वो सिल्वर से काफी ज्यादा रिएक्टिव है, Na तो टॉप मोस्ट है एक्चुअली। तो जब Na यानी कि सोडियम Ag से ज्यादा रिएक्टिव है तो Na क्या करेगा, NO3 के साथ चला जाएगा, तो क्या बना लेगा ये, अच्छा इधर है ना, हाँ, तो ये बना लेगा सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या बना लेगा, कहाँ गया, अब Ag किसके साथ चला जाएगा, मजबूरी में क्योंकि अब Cl बचा है इसके पास तो Cl के साथ चला जाएगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं था कि बनने क्या वाला है, बनना तो अब तक शायद समझ गए कि इसका उसके साथ जा रहा है, उसका इसके साथ जा रहा है, ये तो सब में कॉमन पैटर्न चल रहा है। लेकिन इसमें जो मुद्दा ये था कि प्रीसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो प्रीसिपिटेट कौन बन रहा है यहाँ पे, AgCl। ये AgCl जो है वहां पे मेरा प्रीसिपिटेट यानी कि नीचे जो है जमा रहेगा। अब हम एक बात और बता देते हैं कि सिल्वर का जितना भी कंपाउंड होता है लगभग सब सिल्वर कलर का ही होता है, नहीं तो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब आगे टेम्परेचर चेंज, ये तो काफी फेमस कहानी है, जब अभी टाइम नहीं है नहीं तो सुनाते। टेम्परेचर चेंज का हुआ यूं है कुछ ऐसा कि क्विक लाइम को लिया, क्विक लाइम मतलब जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है इसलिए उसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम लेके जिसका फॉर्मूला होता है CaO, उसमें सिर्फ पानी मिला दिया, पहले वो ढेला के फॉर्म में रहता है जिसको CaO बोलते हैं, उसमें पानी जैसे ही मिलाएंगे वो भखर जाता है मतलब टूट जाता है, और उसका फिर पाउडर के फॉर्म में ऐसे ऐसे हो जाता है। तो जो पाउडर के फॉर्म में बनता है वो बनता है CaOH का होल्ड वाइस यानी कि सिलेक्ट लाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। क्वेश्चन इसे कैसे पूछेगा कि सीमेंट उमेंट बनाने में यूज करते हैं, सीमेंट हो गया मार्बल हो गया ये सब में यूज करते हैं, मार्बल में हालांकि CaCO3 यूज करते हैं लेकिन हाँ सीमेंट उमेंट में समझ जाना कि कैल्शियम का कंपाउंड यूज होने वाला है। उसके बाद इसमें हीट एक्स्ट्रा निकला है, मतलब हीट ही तो निकालना था, ये टेम्परेचर चेंज का ही तो था। टेम्परेचर ऑटोमेटिक जब CaO को लाया था तो एकदम नॉर्मल था, छू सकते थे, लेकिन जैसे ही हम वाटर मिला देंगे तो इतना गर्म हो जाएगा कि छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो मतलब हीट चेंज हुआ ना, यानी कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद चेंज इन फिजिकल स्टेट, मतलब कि पहले कुछ और स्टेट में लिए थे बाद में कुछ और स्टेट हो गया। इसका तो सबसे आसान रिएक्शन है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिए तो हाइड्रोजन था गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन था भी गैसियस स्टेट में, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाता है, वाटर। पहले भी आज से करीब करोड़ों साल पहले ऐसे ही बना होगा ना वाटर, सुनते हैं पहले बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करता था, फिर वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल मिल के वाटर बनाया तो फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया, ऐसा कुछ कहानी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट ट्रेनिंग है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में उतना ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि इसका अलग से एक वीडियो और भी है, आप लोग चाहे तो चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बैलेंसिंग का वीडियो काफी डिटेल में बताया गया है। यहाँ हम लोग शॉर्ट में बताएंगे बैलेंसिंग में क्या रहेगा, जैसे यही रिएक्शन है, नहीं इसमें तो लगता है सारा बैलेंस्ड वाला है ना, नहीं ये नहीं था। ठीक है देखो इसी को देखते हैं, H2+O2 ये क्या बनाया है, H2O बनाया है। ठीक, अब हमको इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले इसको जैसे है वैसे लिख लेंगे, लिख लिए ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि हम एक कॉलम बनाएंगे रिएक्टेंट साइड का अलग और प्रोडक्ट साइड का अलग, हम कॉलम बना लिए और जितना भी एलिमेंट है सबको लिख लिए, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था उधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम नंबर काउंट करेंगे, तो नंबर देखो हाइड्रोजन का इधर कितना है, ऑक्सीजन का इधर कितना है, दो, इधर हाइड्रोजन का कितना है दो, और इधर ऑक्सीजन का कितना है एक। अब उसी स्टेप में ये भी चेक करेंगे कि दोनों साइड बराबर है या नहीं, तो जब हम देखें तो ये तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में करना ये है कि जिस साइड कम वाला है उस साइड मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से, मतलब होल नंबर एक्चुअली नेचुरल नंबर से। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, हमको बनाना है दो क्योंकि साइड दो था, तो हमको ये दो से यहाँ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, ये तो कंपाउंड ही बदल जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चौथा स्टेप में करता है कि अगर कभी ऐसा हो कि मल्टीप्लाई करने से अगर बैलेंस फिर से बिगड़ जाए तो फिर जिस साइड कम हो उस साइड मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। देखो क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ दो से मल्टीप्लाई किए ये तो दो हो गया, ये तो मिल गया, लेकिन फिर ये कितना हो गया, चार हो गया। अब जब ये चार हो गया तो फिर जिस साइड कम हो उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, इधर फिर हाइड्रोजन कितना हो गया चार, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया दो, सही है। और यानी कि पांचवा स्टेप में जो हम लोग बैलेंस करके जो आया है उसको फिर से लिखेंगे, और छठा स्टेप में जो इसका स्टेट है उसको लिखेंगे, जैसे ये कौन सा स्टेट में है, गैसीय स्टेट में, ये कौन सा स्टेट में है, गैसीय स्टेट में, और ये कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में।
तो ये हम लोग ऐसे करके लिख लिए, हम लोग का 6 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग में ज्यादा समय नहीं दिए, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन है, एक है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा दूसरा नंबर में डिकम्पोजिशन था, कोई बात नहीं इधर उधर होता है, पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन जिसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमें जस्ट देखते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो ऑलरेडी हम बता दिए, 5 तरीके का है। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कुछ बनना, कंबाइन किए कुछ बना दिया, मतलब कोई दो चीज को कंबाइन किए कोई तीसरा चीज बन गया, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा ना, मतलब हर एक केस में तो नहीं लेकिन मैक्सिमम केस में एक ही प्रोडक्ट होगा, राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड में सिंगल प्रोडक्ट होगा, साथ में कुछ और भी हो सकता है लेकिन टेंथ में वैसा ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अभी जैसे ही कोई चीज मिलता है, मतलब कोई चीज दो चीज को मिलाएंगे तो दो चीज के मिलने से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि दो चीज मिलने से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे भी वही बात है, जो वही जो एनर्जी है ना वो इस यहाँ पे जो एनर्जी निकल के सामने आता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में आता है, यानी कि यहाँ पे भी हीट बनेगा और यहाँ पे भी हीट बनेगा, एनर्जी निकलता है यहाँ पे, मतलब कि एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है, उल्टा ये एनर्जी निकाल रहा है, मतलब हमको बोनस है, रिएक्शन तो हुआ है, जो चाहिए था वो मिला है, साथ में हीट भी मिल गया। तो हीट किस क्या है, यहाँ एनर्जी है। तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जितना भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उस हिसाब से कौन सा रिएक्शन होगा, सबका सब एक्सोथर्मिक होगा। अब उसमें सबसे पहला रिएक्शन कौन है, CaO। अगर याद हो तो सर पहले बोले थे कि CaO को क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, यानी कि उस समय वाटर मिलाया था थोड़ी पहले, तो वाटर मिलाते तो बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब हम उसमें CO2 मिला दे तो CO2 मिलाने से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, और CO3 का फिर वैलेंसी क्या होगा, CA का क्योंकि +2 होता है तो CO3 का भी क्या होगा, -2 होगा। ऐसे ही करके सब ध्यान में रख लेना, एक ही दिन का समय है, ज्यादा समय है नहीं है। तो CO3 का क्या हो गया, -2, और ये बना क्या, CO3। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और इसमें ही क्या निकला, हीट निकला, जो हीट निकल रहा उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ उस हिसाब से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, हाँ बिल्कुल, जितना भी कॉम्बिनेशन है बनाएंगे तो हीट निकलेगा, लेकिन क्या ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन, ये कोई जरूरी नहीं है, हीट निकलने के लिए और भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन जितना होगा उसमें सब एक्सोथर्मिक होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि कंबाइन करेंगे तो कुछ बनेगा। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन, अच्छा एक रिएक्शन और है, ये वाला तो हम लोग हालांकि क्लास 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, कंबसन रिएक्शन है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन के प्रोड्यूस में किसी चीज को जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंबसन। तो कंबसन में भी हीट निकलता है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ऐसा कोई चीज जिसमें हमको किसी चीज को तोड़ना हो, तो तोड़ने के लिए कोई एक बड़ा सा चीज होता है उसी को हम लोग तोड़ते हैं, इसमें दो चीज को मिला के नहीं तोड़ते हैं, कोई एक बड़ा सा, जैसे कि एक बड़ा सा घर उसको तोड़ दिए, वैसे ही यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मेनली एक ही रहेगा और प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें तोड़ करके बनाएंगे हम लोग। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो मेरा CaCO3 इसीलिए क्योंकि अब हम लोग सबसे पहले अभी जस्ट बनाए थे कि CaO यानी कि क्विक लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला था तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, बस उसी को तोड़ेंगे तो वापस से क्या मिलना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए ना, तो बस उसको तोड़ने के लिए क्या देना होगा, हमको तोड़ने के लिए यहाँ पे हीट निकला था ना, वो हीट हमको वापस देना होगा, जैसे ही हम इसको हीट देंगे ये टूट जाएगा, इसमें CaO और CO2 में टूट जाएगा। अब हम बाकी का ये तीन रिएक्शन क्यों लिखे हैं, क्योंकि कहता है कि डिकम्पोज करने के लिए तोड़ने के लिए केवल हीट ही जरूरी नहीं है, मतलब कि गैस पे चढ़ाए या लैब में चढ़ाए या फिर स्पिरिट लैम्प पे चढ़ाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हमको डिकम्पोज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर में क्या करते हैं हम लोग, कैथोड एनोड और इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वाटर में H2 और O2 अलग अलग हो जाता है, तो वो भी डिकम्पोजिशन ही है, मतलब वहां भी तोड़ ही रहे हैं लेकिन वहां हीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहां किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो डिकम्पोजिशन तो दिखा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डिकम्पोजिशन दिखा रहा है, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डालने से एकदम साफ अलग अलग टूट जाएगा ना आयन के फॉर्म में, वो कौन सा है तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हीट देना भी नहीं पड़ता है, कुछ चीज तो ऐसे ही टूट जाता है, जैसे सिल्वर का कोई भी कंपाउंड हो, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो ना, वो धूप में रखते ही टूट जाता है, मतलब उसको गैस जलाने का, हीट देने का, इलेक्ट्रिसिटी देने का भी जरूरत नहीं, मतलब इतना कमजोर है
क्यों कमजोर है उसका भी यही रीजन है कि एजी जो होता है ना काफी कम रिएक्टिव होता है। अभी देखेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज इसके दस इसके पहले देखेंगे तो एजी जो है ना काफी कम रिएक्टिव होता है जिसकी वजह से टूट जाता है सिर्फ सनलाइट से। तो अब पूछा है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन कौन ऐसा है जो डिकम्पोज होता है लेकिन केवल सनलाइट में ही हो जाता है, तो कौन सा? जितना भी एजी का हो, कॉपर का हो, गोल्ड का हो, सारा सनलाइट में टूट जाता है, तो 2Ag+Cl2। तो ठीक है, इस सब में कौन सा रिएक्शन है, ये सारा का सारा डिकम्पोजर सब टूटने वाला है। अब एक बार जो तुमको जानने वाली बात थी यहाँ पे वो ये कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी होता है सब में हमको हीट देना पड़ता है, हीट दे या इलेक्ट्रिसिटी दे या कुछ भी दे, एनर्जी तो दे रहे ना, तो जिसमें एनर्जी देना पड़ रहा है वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो होगा इंडोथर्मिक। जैसे वहां निकल रहा था तो वो कौन सा रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक, यहाँ हमको देना पड़ रहा है तो इंडोथर्मिक। सेम बायोलॉजी में भी एक प्रोसेस होता है डाइजेशन, उसमें भी एनर्जी देते हैं तब जाके टूटता है खाना पीना, तो डाइजेशन के हिसाब से कौन सा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब एक जो फेमस रिएक्शन है बुक में वो हम जान बुझ के लिखते हैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, जो PbNO3 का होल ट्वाइस है। अब NO3 का वैलेंसी अभी थोड़े पहले लिखाए थे ना सर, हाँ लिखाए थे -1, थोड़े पहले देख लेना वीडियो में लिखाए हैं, तो उस हिसाब से -1 दो बार आया तो -2, यानी कि Pb का कितना रहा होगा, +2। ठीक है, वैसे भी Pb का +2 ही होता है, वैलेंसी का वीडियो देख लेना। अब देखो यहाँ पे जो बनता है वो थोड़ा सा रोमांचक है, यानी कि रोचक है, क्योंकि आसानी से याद होने वाला नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुमको। एक्चुअली अभी याद ही कर लो क्या कि PbNO3 वोल्टास को जब हीट देते हैं तो क्या टूटता है, PbO में टूटता है और NO2 और O2 में टूटता है, यानी कि PbO में से एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, फिर NO2 टूटा अलग और ऑक्सीजन हो गया अलग, PbO+NO2+O2। इसमें जो है हीट दिए तो क्या चीज में टूटा, PbO+NO2+O2, याद करा रहे हैं क्योंकि ये पूछता है अक्सर, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि एक कंपाउंड है जिसको हम तोड़े हैं जो दो गैस में टूटा है और एक सॉलिड में टूटा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी के बारे में बात कर रहा होगा, तो बताइए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, अब चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वाला में क्या होता है ना कि इसमें जो बलशाली है वो कमजोर को दबा देता है, जैसे रियल लाइफ में होता है ना कि अमीर लोग गरीब लोगों को दबा देता है, कुछ उस टाइप का, जो ज्यादा बलशाली है ना वो कमजोर के दबा देता है। मतलब मूवी में पहले दिखाता था ना कि घर आदमी गरीब लोग अपना गली कुची में रहता था तो अमरीशपुरी टाइप के लोग क्या करते थे, उसको कब्जा कर लेते थे, डैनी डेंजरप्पा, अमरीशपुरी, ये सब तो काफी फेमस विलेन हुआ करते थे उस समय के, तो कब्जा कर लेते थे घर पे, पहले के मूवी में काफी होता था। बस उसी टाइप के इसमें क्या है, जो ज्यादा बलशाली है ना वो कमजोर वाला वो कब्जा कर लेगा, मतलब उसके साथ जो कम, मतलब जहां वहां घर पे, वहां पे घर पे कब्जा करते थे, यहाँ उसके साथ जो जुड़ा हुआ उस पर कब्जा कर लेगा। जैसे देखो यहाँ CuSO4+Fe बना हुआ था, Fe जो है ना वो कॉपर से ज्यादा बलशाली है तो SO4 पे कब्जा कर लिया और बेचारा सी वो अकेले रह गया। अब इसमें कौन किस पे कब्जा कर सकता है, कौन किस पे नहीं कर सकता, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ता है हम लोग को। हालांकि ये तो वैसे मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ना है, लेकिन क्योंकि यहीं पे जरूरत पड़ गया तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। इसका जो है वो ये है, ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। वीडियो रिपीट करके सुन लेना अपना। ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। और इसके नीचे होता है छापा, CU, HG, AU, AG और PT। ठीक है, ये पांचों होता है इस तरीके से। अब देख लो तुम इसमें जो तुम्हारा, अब यहाँ देख लो तुम कॉपर जो है कहाँ गया, हाँ कॉपर को Fe कर सकता है कि नहीं, रिप्लेस तो कर सकता है, कॉपर कहाँ एकदम नीचे, हाइड्रोजन से भी कमजोर है, ये पांचों नालायक जो है ना वो नॉन मेटल से भी कमजोर है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, ये पांचों हाइड्रोजन से भी कमजोर है, नॉन मेटल से भी। इसलिए तुमको क्या बोले थे यहाँ पे कि Ag का जो कंपाउंड होगा वो इतना कमजोर है कि सनलाइट में ही टूट जाता है। तो अब देखो Cu जो है, CuSO4 कहाँ है, Cu यहाँ है, और Fe कहाँ वाला है, Fe बहुत ऊपर है, यहाँ है, तो Fe जो क्या है वो इसको रिप्लेस कर देता है आराम से, क्योंकि Cu बहुत कमजोर है, Cu को रिप्लेस करके क्या बना लिया, FeSO4। अब इसमें क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि फलाना पांचों कंपाउंड दे देगा, चार को दे देगा और बोलेगा कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जैसे दे देगा कि मैग्नीशियम बताओ, मैग्नीस को कर सकता है तो बिल्कुल कर सकता है, जिंक को कर सकता है बिल्कुल कर सकता है, निके को कर सकता है बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या मैग्नीशियम पोटेशियम को कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए तुम अभी तो बोल ही दिए, शायद मन में आ भी गया होगा, एक दो बार पहले शायद सुना भी होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो और आसान है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज से ही मतलब नहीं, इसमें किसी चीज से ही मतलब नहीं है, ये है डायरेक्ट इसकी टोपी उसके साथ, मतलब कि इसका उसमें डाल दो, उसका इसमें डाल दो, मतलब कि देखो यहाँ पे सबसे आसान है, इसका एक ही एग्जांपल दिया है AgNO3+NaCl।
अब एजी को तो चूर मचेगा नहीं क्योंकि ये तो काफी कमजोर है, लेकिन एनए को तो मचेगा ना कि हम कमजोर वाला को तबाह करते हैं। तो एनए क्या करेगा, एनओ थ्री के साथ मिला लेगा और बेचारा एजी मजबूरी में सीएल के साथ मिला लेगा। वैसे एजी भी खुशी है कि दुखी नहीं है, लेकिन एनए को चूर मचा के इसको हम तोड़ेंगे। तो एनए इसको तोड़ दिया, ये बेचारा जिसके साथ बचा था उसके साथ चला गया। तो एनए क्या बना लिया, एनओ थ्री बना लिया, और एजी क्या बना लिया, एजी सीएल बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई वापस से वही बात कि सिल्वर का जितना भी लगभग कंपाउंड होता है ना सब व्हाइट कलर का होता है। एजी सेल कैसा कलर का बना है, व्हाइट कलर का बना है। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली दो पार्ट होता है, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको बोलेंगे फिर भी तब भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन ऐड कीजिए या तो हाइड्रोजन हटाइए, यानी कि ऑक्सीजन या तो जोड़िए या तो हाइड्रोजन हटाइए, दोनों केस में क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ये तीसरा डेफिनेशन क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होगा तब भी उसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। जैसे अगर मान लो कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन है प्लस में, अब इसमें से रिमूव कर लिया कोई, मान लो कि Cu1+ प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले गया इसका, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये भी तुमको कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में ये है कि या तो हाइड्रोजन तुम्हारा जुड़े, यानी कि हाइड्रोजन को या तो ऐड कीजिए, या तो ऑक्सीजन को रिमूव कीजिए, यानी कि हाइड्रोजन को या तो जोड़िए तब भी रिडक्शन, और ऑक्सीजन को रिमूव कीजिए तब भी रिडक्शन, और या तो तीसरा में क्या है इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए तब भी रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन पहले 2 माइनस था, ऑक्सीजन 3 माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ये कौन सा प्रोसेस से हुआ होगा, रिडक्शन से हुआ होगा। ठीक है, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ देखो पहले ऑक्सीजन 2 माइनस था, इसमें ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन 3 माइनस हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस में आएगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। वैसे ये ज्यादा पूछता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ये ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का ऐड होना कहता जाता है रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना कहता है ऑक्सीडेशन। और क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल सबका देख लेते हैं। सी में देखो, यहाँ पहले सी था, ऑक्सीजन के साथ सीओ टू बन गया, देखो वहां पहले अकेले सी था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो किसका एग्जाम्पल होगा, ऑक्सीडेशन का। उसके बाद सी यू और एच टू है, अब सी यू ओ यहाँ पे बेचारा ओ के साथ मस्त आराम से खुश था, लेकिन अगला रिएक्शन में जैसे ही मिला वो कहाँ चला गया, एच टू के पास चला गया, सी यू बेचारा अकेले रह गया। तो सी यू क्या होगा, यहाँ पे सी यू में क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हो गया बेचारा, ऑक्सीजन हट गया, लेकिन एच टू के लिए क्या हो गया, एच टू पहले ऑक्सीजन के बिना था, एच टू में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि इसके लिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसी में पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो अपने अलावा सामने वाला को ऑक्सीडाइज करे वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सामने वाला को रिड्यूस करे वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे ये जो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, देखो सी यू था वो सी यू में बदल गया, मतलब रिडक्शन हुआ ना, यानी ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एच टू था या एच टू ओ हो गया, यानी कि सी यू किसका क्या काम में हेल्प किया, ऑक्सीडेशन में हेल्प किया, यानी कि ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक रिएक्शन और है जिसमें दोनों साथ में ले लिए हैं, जेडन प्लस सी यू एस ओ फोर, जेडन प्लस सी यू एस ओ फोर में क्या होगा, जेडन जो है सी यू को रिप्लेस करेगा कि नहीं, चेक करो जेडन कहाँ है, यहाँ है, सी यू कहाँ है, यहाँ है, तो जेडन आराम से सी यू को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना लेगा, जेडन एस ओ फोर प्लस सी यू। अब देखो इसमें जेडन ऑक्सीजन के साथ नहीं था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सी यू एस ओ फोर में ऑक्सीजन था, लेकिन इधर आया तो सी यू बेचारा अकेला हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन। जब दोनों साथ में हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि फलाना चार एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, तो या तो ऑक्सीजन बढ़ रहा होगा तब भी ऑक्सीडेशन है, या तो हाइड्रोजन हट रहा होगा तब भी ऑक्सीडेशन है। चारों ऑप्शन को पहले नजर डाल के देखना, उसके बाद देख लेना कुछ किस में होना है। ठीक है, इसी टाइप का रिएक्शन में पूछेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया, लगभग 4-5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। थैंक यू।